Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने गठबंधन से दूरी बनाने वाले दलों के बारे में बेमतलब की टीका टिप्पणी नहीं करने की सलाह देते हुए गुरुवार को कहा है कि भविष्य में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए यह नहीं कहा जा सकता है। मायावती ने एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा है कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित जो भी पार्टियां शामिल नहीं है उनके बारे में किसी का भी फिजूल का टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वह इससे बचें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, यह ठीक नहीं है और इस मामले में समाजवादी पार्टी खासतौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल है बहुजन समाज पार्टी। मायावती की अगुवाई वाली बसपा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए अपने बलबूते अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं मायावती ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का वीडियो बनाने का अशोभनीय करार देते हुए कहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद, तनाव और टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है। बसपा सुप्रीमो ने हाल ही में लोकसभा की सुरक्षा में चूक को गंभीर चिंता मुद्दा बताते हुए कहा कि इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप के बजाय सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मायावती ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं और षड्यंत्री हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी भी हो वो बेहद जरूरी है। राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दल है और उन्हें अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अगले महीने होने जा रहे उद्घाटन पर कोई भी एतराज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा को अयोध्या में अदालत के आदेश पर सरकार निर्धारित की गई जमीन पर निर्मित होने वाले मस्जिद के उद्घाटन पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिए बगैर कहा कि पिछले कुछ सालों से इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो काफी दुखद और चिंतनीय भी है। मायावती ने कहा कि ऐसी चीजों से देश कमजोर ही होगा और इसमें लोगों में आपसी नफरत पैदा होगी जो बिल्कुल सही नहीं है। बाकी जिस तरीके से मायावती का रुख 2024 चुनाव को लेकर आ रहा है उसको लेकर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।